हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक अ बेटर रिज्यूमे। ठीक है, रिज्यूमे बोलिए चाहे आप सीवी बोलिए, हाउ टू मेक अ बेटर रिज्यूमे। अब ये बेटर का मतलब क्या है, बेटर का मतलब है कि मैं आपको दो रिज्यूमे दिखाने वाला हूँ, एक वो जो कि ठीक है रिज्यूमे बनाया है और एक है उसी का अपग्रेडेड वर्जन जिसे बोलते हैं बेटर वन। देखिए, ये है मेरा रिज्यूमे जो कि मैंने बनाया था इंटर्नशिप के टाइम पर। ठीक है, इंटर्नशिप के टाइम जब हम अप्लाई करना था तब। अब आप गैस कह सकते हैं कि इंटर्नशिप के टाइम पर आपको उतनी नॉलेज नहीं होती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आप अभी से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे कैसे पता चलता है कि अच्छा कौन सा है रिज्यूमे या ख़राब कौन सा है, या पोर्टफोलियो भी अगर बात करें तो कौन सा अप्रोप्रिएट है और कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, ख़राब तो हम किसी चीज़ को नहीं बोल सकते ना, डिज़ाइन कभी गलत होता है, कभी कोई चीज़ ऐसी ख़राब होती नहीं है, बट एक बेटर वन जो होता है ना उसकी बात तो हम हमेशा कर सकते हैं कि उससे अच्छा और इम्प्रूव वर्जन कैसे बना सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये कि जब मैं मेरे इंटर्नशिप के टाइम पर था तो उस टाइम पर मेरे जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम भी जो सेलेक्ट करो कौन कौन से जो है रिज्यूमे अच्छे लग रहे हैं और किसका रिज्यूमे देख के तुम्हें पोर्टफोलियो खोलने का मन कर रहा है। ठीक है, तो वो भी मेरा एक टास्क था। तो जब मैंने वहाँ पर देखा तो आई वॉज लाइक, अरे यार इतनी बेसिक बेसिक गलती कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे कर सकते हो इतनी बेसिक बेसिक गलती। तो वो सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या है वो बेसिक गलती, और वो गलती मेरे में भी थी। ठीक है, अब मैं और जो मेरे सर थे वो दोनों ही मिल के बैठ के हंस रहे थे कि यार मतलब मैंने भी वही गलती कर रखी है, लेकिन जब मैं 10 लोगों का वही सेम सेम रिपीट देख रहा हूँ ना, तब लग रहा है यार कि मतलब कितना एनोइंग होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस चीज़ पे बात करेंगे, समझेंगे एक बेटर वन पोर्टफोलियो कौन सा होता है। पहले इस पोर्टफोलियो को समझते हैं जिससे मेरी इंटर्नशिप लगी थी और जो मैंने दिखाई थी, और मतलब कि मुझे अब लगता है कि हाँ इसमें क्या क्या गलती थी, और उसका इम्प्रूव्ड वर्जन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा है शताब अहमद। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इंटर्न। उसके बाद लेफ्ट हैंड सेक्शन पे मैंने एक अलग कलर कर रखा है और राइट हैंड सेक्शन पे एक अलग कलर कर रखा है। फोटो आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने लगा दिया, ऐसा था। ठीक है, एक तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए, जो सबके रिज्यूमे में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। आप इतनी पर्सनल डिटेल किसी से कैसे शेयर कर सकते हो। मेरे यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन भी मैंने लिख रखा है, ऑल्दो मैंने ब्लर कर दिया है बट मैंने लोकेशन भी लिख रखा है। अब लोकेशन क्यों लिख रखा है, मतलब क्या वो मेरे घर आके चाय पी के मेरे से मिल के जाएंगे क्या वो सर, नहीं जाने वाले, तो इतना कभी भी स्पेसिफिक नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कभी भी अवॉइड कीजिए कि ये वाला जो सेक्शन है ना उसको अवॉइड कीजिए, ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि आपने जिस भी फॉर्म को, जिस भी मीडियम से अगर आपने उनको अप्रोच किया है तो वो उसी मीडियम से ही आपको रिप्लाई करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर उनको मेल किया है तो वो आपका नंबर देख के उस पर आपको कॉल करके पूछेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल स्किल्स की। अब देखिए, मैंने पर्सनल स्किल्स में क्या लिख रखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, पंक्चुअल और ठीक है और डिसिप्लिन। अब इसे मैंने अपने आपको रेटिंग दे रखी है। यही सेम चीज़ हम सॉफ्टवेयर के टाइम पर भी करते हैं कि हमने ऑटो कैड लिख दिया, ठीक है, रेविट लिख दिया, उसके बाद अपने आपको रेटिंग देते हैं या फिर स्टार्स देते हैं कि 5 में से 3% मुझे आता है ना, ऐसी चीज़ें, या फिर ऐसे बार्स बना देते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहली बात, जो मैंने कम्युनिकेशन में लिख रखा है या जो हम ऑटो कैड में ऐसे बार्स बनाते हैं या स्टार देते हैं, सबसे पहली बात क्या हम उसका 100% जानते भी हैं कितना होता है? तो हमें कैसे पता हम उसके 70% है कि 50% है, हो सकता है हम उसके सिर्फ 0.1% हो। आप ये बेंचमार्क कैसे सेट कर सकते हो कि मतलब उसका 100% क्या है, उस ऑटो कैड का 100% क्या है, वो आपको पता ही नहीं है। आप जो जानते हो वो आपको लग रहा है कि आपको 40% आता है बट वो 0.1% भी नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप क्या कीजिए, जब भी आप स्किल्स लिखिए या कोई भी चीज़ आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप ये बार्स और ये सारी चीज़ें ना बनाएं, सिर्फ स्किल्स लिख दीजिए कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें आती है, दैट्स इट। ठीक है, यही सेम चीज़ सॉफ्टवेयर्स में भी करनी होती है। उसके बाद स्ट्रेंथ। अब देखिए गाइस, स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी आपको स्पेलिंग जो है थोड़ी सी इधर उधर लग सकती है। ठीक है, स्ट्रेंथ में देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉपीड है। क्या है? कॉपीड है, और ये सारी चीज़ें फॉर्म को भी पता होती है कि कॉपीड ही है। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट लिख रखा है। अब इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, अब कुछ लोगो लगा दिए हैं, ठीक है, जो कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और नीचे कैप्शन लिख दिया कि भाई वो चीज़ क्या डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे कि फिटनेस एंड वेलनेस, और ये सारी चीज़ें भी अगेन जब आपके जाती है किसी भी फॉर्म में तो उनके पास इतने सारे जो पोर्टफोलियो या रिज्यूमे होते हैं ना, ये बहुत कॉमन वन है, उनको इसमें अब इंटरेस्ट भी नहीं आता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं अब अबाउट मी। अब राइट सेक्शन की बात करते हैं। अबाउट मी में मैंने लिख रखा है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ फोर्थ ईयर परसुइंग आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आई एम मोटिवेटेड, देखिए अभी आई एम मोटिवेटेड वाला जो है पार्ट है ना वो भी कॉपीड है। ये मेरे सर भी मेरे को देख कैसे बता रहे थे, देखो बेटा तुम्हारा भी कॉपीड है, मैं जानता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये डिज़ाइन डेवलपमेंट मेंटेलिटी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, वो खूबी है, स्किल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अबाउट मी के सेक्शन में डाल रखा है।
उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव, अब ये कैरियर ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली कॉपीड है। अब वो इतनी बार इन सब चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं ना कि उनको वो कॉपीड ही लगता है, ठीक है, उन्हें समझ में आ जाता है देखते ही, ठीक है। इवन अगर आप मुझे भी पोर्टफोलियो या रिज्यूमे भेजेंगे, मैं भी देख के समझ जाऊँ कौन सी चीज़ कॉपीड है कौन सी नहीं है। उसके बाद एजुकेशन, कि मैंने 12th CBSE से किया है, कौन से स्कूल से किया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट भी बता रहा हूँ, अचीवमेंट कुछ लोग होते हैं जो अचीवमेंट लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सर्टिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स के टाइम पे जो भी आप तक आपको जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो सारी चीज़ें लिखते हो, या फिर आप लिखते हो अचीवमेंट के तौर पर, जैसे मैंने लिख रखा है कि अडोब सर्टिफाइड एसोसिएट इन विजुअल कम्युनिकेशन यूजिंग फोटोशॉप CS6, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर स्किल्स लिख दिए और ये लोगो लगा दिया, उनके नीचे नीचे मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी, ये सारी चीज़ें। अब देखिएगा, ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत कॉमन हो चुका है, ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कॉमन हो चुकी है। अब हर कोई देख देख के परेशान हो गया, उनको अब रिज्यूमे देखने में वो मज़ा ही नहीं आता है। उनको रिज्यूमे देख के, अगर मैं बताऊं, अगर यही रिज्यूमे उस वक्त मेरे उसमें गया होता जिस फर्म में मैं काम कर रहा था, तो मैं इस रिज्यूमे को देखने के बाद ना मैं पोर्टफोलियो पर स्विच ही नहीं करता, मतलब मैं पोर्टफोलियो खोलना पसंद ही नहीं करता, ठीक है, कि पोर्टफोलियो देख के अब जज किया जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे मेजर मिस्टेक है, मैं सबसे मेजर मिस्टेक बताता हूँ, वो ये है कि इसके अंदर शताब अहमद जो लिखा हुआ है ना, उसकी एक भी खूबी इसके अंदर नहीं लिखी हुई है। ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पे अगर मैं यही पोर्टफोलियो यही रिज्यूमे किसी और को दे दूँ, ठीक है, तो वो बस उस जगह पर ना, जैसे शराब अहमद की जगह पर अपना नाम लिख देगा, ठीक है, और पर्सनल स्किल्स में कम्युनिकेशन की जगह पर अपना बार बना देगा, वो जितने भी बार बने हुए हैं, ठीक है, स्टार्स दे देगा अपने आप को, या फिर स्ट्रेंथ की जगह पर अपनी स्ट्रेंथ लिख देगा, इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब है इसमें मैं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मैं कौन हूँ, मेरी चीज़ें क्या हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली मैं अकेडमी में क्या किया है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि मैं उनको दे सकता हूँ, किसको, जिस फॉर्म में मुझे अप्लाई करना है। मान लीजिए अगर मैं किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ तो उनको मैं क्या दे सकता हूँ, अगर मैं किसी डिजाइनिंग बेस्ड फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ उनको मैं क्या दे सकता हूँ, ठीक है, बहुत टाइप के फॉर्म होते हैं, किसी लैंडस्केप फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ तो उनको मैं क्या दे सकता हूँ, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ये तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी नहीं दिख रही, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से बस भरना है, कुछ भी भर दो, कितना मैसी सी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। फिर इसका बेटर वर्जन देखते हैं, और अब आते हैं बेटर वर्जन पे। बेटर वर्जन क्या है कि अब आपको मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है। अब देखिए उस रिज्यूमे को आप जज कीजिएगा और इस रिज्यूमे को जज कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि किसमें आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानने को मिला है, ठीक है, एक तो वो चीज़ समझेंगे। उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने कैसे इस रिज्यूमे को बनाया है, मैंने वहाँ पे आपको बताया है। क्योंकि इसमें मैंने स्मार्ट वर्क किया है, उस वाले रिज्यूमे में मैंने हार्ड वर्क किया था, इसमें मैंने स्मार्ट वर्क किया है, ठीक है, तो आपको स्मार्ट वर्क ही करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता, ठीक है, तो समझते हैं इसमें मैंने अब चीज़ें। अब देखिए आपको इसमें सबसे पहले एक ओवरव्यू रिज्यूमे दिख रहा है पेज, उसमें आपको चार कलर एक बेसिक दिख रहे हैं, बीच में एक फोटो दिख रही है जो कि मेरी है, और उसी के ही राइट हैंड साइड पर आपको उसका नाम लिखा हुआ दिख रहा है जो कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम शदाब अहमद है और मैं क्या क्या हूँ वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चार कलर जो है ना, उसमें आपको ऊपर ही ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई दिख रही होगी, जैसे कि एक में लिखा हुआ अबाउट मी, एक में लिखा हुआ वर्क एक्सपीरियंस, नीचे लिखा हुआ एकेडमिक्स बैकग्राउंड, और नीचे राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है, पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक बेसिक बेसिक जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसमें देखते हैं मेरी पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड कंप्लीटेड बैचलर ऑफ डिज़ाइन, कहाँ से किया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन आर्किटेक्चर फॉर्म एज ए ट्रेनी और जूनियर आर्किटेक्ट, ठीक है। मतलब कि अब सिर्फ मैंने एक साल के बाद ही जब इसको अपडेट किया तो मेरे अंदर कितनी चेंजेस आ गए वो आप देखिए, कितने अच्छे से मैंने पोर्टफोलियो अब बेटर वन बनाया है, उससे बेटर, परफेक्ट है ये मैं नहीं कह सकता, उससे बेटर है ये ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, अब मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या नहीं दिया है, फ़ोन नंबर नहीं दिया है, उस टाइम पर दिया था, उस टाइम पर एड्रेस दिया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी जो पर्सनल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, पहला दो डिजिट को लिख दिया है और बाकी को XXX लिख दिया है, ठीक है, आप चाहे तो ये रिमूव ही कर सकते हैं कम्प्लीटली कॉलम। उसके बाद अब मैंने अपना एड्रेस दिया है, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ लिंक्स हैं, वो सारी चीज़ें दे गई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं सोशल मीडिया या पब्लिक वाली चीज़ें, इसको तो आप पब्लिकली अनाउंस कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेरे एक फोटो है, अब उसमें फोटो देखिए और इसमें फोटो देखिए, अब थोड़ा सा प्रोफेशनल वन लग रहा है कि यहाँ पे फोटो दिया है, उसमें क्या लग रहा है कि बस एक खुद के लिए खींचा है फेसबुक के लिए कवर पेज के लिए और वैसे बस बना के डाल दिया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेशनल वन, ठीक है। अब एकेडमिक्स बैकग्राउंड देखिए, उसमें मैंने बिना मतलब की चीज़ें लिखी हैं। अब भाई एक फॉर्म में उनको क्या मतलब है मैंने 12th कहाँ से किया है, उनको क्या मतलब है मैंने 10th कहाँ से किया है, CBSE से किया है, SSC बोर्ड से किया है, ओपन से किया है, क्या मतलब है उनको, कुछ नहीं मतलब है। उन्हें पता है कि अगर आप बैचलर कर रहे हो तो आपने 10th और 12th साइंस से ही किया होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आए होगे तभी आप कर रहे हो, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, तो इतनी चीज़ें लिखनी नहीं होती, ठीक है। एकेडमिक्स बैकग्राउंड की बात करते हैं, अब मैंने क्या लिखा है, आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2015, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, खत्म, सिंपल और खत्म, सिंपल एंड सोबर, ठीक। उसके बाद एनिमेशन किया है मैंने, डिप्लोमा इन एनिमेशन, ऑल दो मैं एडवांस डिप्लोमा कर रहा था लेकिन डिप्लोमा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 3 महीने का एक्स्ट्रा नहीं किया था, जो कि मैंने आपको बताया भी मेरी वीडियो में। उसके बाद आई स्टडीज एनिमेशन इन मैक साउथ एक्स न्यू दिल्ली, ये हो गया। थ्रू आउट दिस पीरियड आई लर्न अबाउट वेरियस सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, माया, 4D सिनेमा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया है कि ये डिप्लोमा करते वक्त मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी,
अब आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या चीज़ें सीखी, ये है मेरे स्किल्स। वो नहीं है कि वो मैंने रैंडमली लिख दिया कि टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें, नहीं। अब ये समझ में आ रहा है कि मैंने इस जगह गया तो मैंने क्या चीज़ें सीखी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, अब मैंने इसमें डाला है रियल प्रोजेक्ट। देखिए, वर्क एक्सपीरियंस, रियल प्रोजेक्ट। ऑल दो मैं अभी सिर्फ निकला हूँ, मतलब मैं अभी सिर्फ पास आउट हुआ हूँ डिग्री से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जॉब करने के बाद ही एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं सिर्फ निकला हूँ, लेकिन अब देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। यही चीज़ें मैं उस वक्त भी लिख सकता था, लेकिन दिमाग नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग एकेडमिक्स मैंने रियल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला जहांगीर रेसिडेंस 2017 और 18 में मैंने ये किया था। ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स आई हैड कंप्लीटेड टू डिजाइन अ 4 BHK विला, प्लॉट एरिया इतना है इन सीकर, वेयर माई स्कोप ऑफ वर्क इज टू गिव देम अ आर्किटेक्चर प्लान। मतलब मैंने स्कोप ऑफ वर्क बता दिया कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया है, सिर्फ एक प्लान दिया था, आर्किटेक्चर प्लान दिया था। कितने स्क्वायर फीट का था? इतने स्क्वायर फीट का था। उसके बाद ड्यूरिंग इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के टाइम पर मैंने G+2 हाउस बनाया था 2018-19 में, ठीक है। द रियल चैलेंज विद दिस प्रोजेक्ट वॉज अ डायमेंशन, मतलब कि जो लेंथ और ब्रेथ थी ना, वो था रियल डायमेंशन, कि एक था 2.5 मीटर और दूसरे साइड था 18 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रियल चैलेंजिंग था, तो वो चीज़ मैंने लिखी है। वाइल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आई कंटिन्यूअसली ओनिंग माई स्किल्स इन इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन आई ऑल्सो हैंडेड इंटीरियर वर्क ऑफ द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद करंटली, रिसेंटली जो मेरा चल रहा है वो क्या था, करंटली नारायण रेसिडेंस, जिसमें कि मैं 2 BHK बना रहा हूँ और 650 स्क्वायर फीट का है। तो अब इसमें समझ में आ रहा है कि मैंने एकेडमिक्स के टाइम पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ें गेन की थी। देखिए, एकेडमिक्स में आप करके आ रहे हो तो सबको पता है, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट ले रखा होगा, उससे मुझे क्या लेना देना है। कोई अचीवमेंट ले रखी है, उससे मुझे क्या लेना देना है। आप मेरे फॉर्म में आ रहे हो तो मेरे कोई चीज़ की वैल्यू की चीज़ कोई ऐड कर सकते हो तो वो बताओ, बिल्कुल बताओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये हैं कि अब उनको लगेगा कि भाई इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब कि इसको ना थोड़ा सा नॉलेज होगा साइट का, थोड़ा सा नॉलेज होगा आर्किटेक्चर प्लान, थोड़ा सा डिटेल में कैसे बनाते हैं, तो उनको फौरन फौरन लगेगा ना। तो अब उनका मन करेगा क्या, पोर्टफोलियो ओपन करने का, कि भाई पोर्टफोलियो ओपन किया जाए। उसके बाद शताब अहमद लिखा हुआ है। अब देखिए, आर्किटेक्ट प्लस एनिमेटर, ये मैंने अभी लिखा है, ये मैंने मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि भाई आपको ऐसी चीज़ें लिखनी होती है कि अगर आप कुछ और चीज़ें ले रखी हैं, आपने कोई और डिग्री ले रखी है, तो ऐसे लिखना होता है। ये नहीं कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड में वो लिखना स्टार्ट कर दो कि भाई मैंने यहाँ इस टाइम पर ये की थी, नहीं। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी, आर्किटेक्ट प्लस एनिमेटर प्लस वीडियोप्रेनर, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता तो डिजिटल मार्केटर भी लिख देता, क्योंकि मैंने वो भी कर रखा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि वो मैंने खुद से किया था, सो कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट में मैंने लिख रखा है क्या, बिसाइड लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर फील्ड आई ऑल्सो क्रिएट वीडियोज फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट इन यूट्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो मैंने तो ये बताया कि मैं यूट्यूब चलाता हूँ और 2020 में मैंने स्टार्ट किया है और मेरा ये इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि आप इंस्टाग्राम चैनल चलाते हो, इंस्टाग्राम हैंडल चलाते हो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, उसमें स्केचिंग वाला पेज दिखाते हो, उसमें पोर्ट्रेट दिखाते हो, है ना, या उसमें अपना वर्क दिखाते हो। तो वो क्या है ना, थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है कि यार अच्छा आप सोशल नेटवर्क भी थोड़ा सा एक्टिव हो, मतलब लोगों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज है। क्योंकि आप जितना ऑर्थोडॉक्स नहीं साउंड करना है आपको, ठीक है, आपको क्या साउंड करना है कि आप और चीज़ें भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली रन करते हो, साइमल्टेनियसली और चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट और ये बताना कि मुझे जिमिंग पसंद है, मेरी हॉबीज़ ये है, मेरा ये है, मेरी ये है, ये सही चीज़ें, और ये बताने में कितना फ़र्क है। क्योंकि उनको मेरे उससे लेना देना नहीं है कि मेरे को जिमिंग, मेरे को जिम पसंद है कि नहीं पसंद, मेरे को मूवीज़ देखना, मेरे को लिसनिंग सॉन्ग पसंद है कि नहीं, उन्हें क्या लेना देना है, उन्हें इससे मतलब होगा, ठीक है। अगर आप लिखोगे आपको इंस्टाग्राम हैंडल पसंद है तो उन्हें उससे मतलब होगा, क्यों होगा, कि भाई थोड़ा क्रिएटिव होगा तभी तो एक स्केचिंग वाला पेज चला रहा है ना, या अगर कोई सिंगिंग वाला पेज चला रहा है तो तभी तो एक सिंगिंग वाला पेज चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट कुछ ऐसे लिखने होते हैं जिसका क्यूरियोसिटी जगह अंदर से, कि देखना है, ऐसे नहीं कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है। अगर बुक भी पढ़ना पसंद है तो आप बोलो कि मैं उसको सोशली जो है ना वो अवेलेबल कराती हूँ, उसमें कुछ कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ मोटिवेटेड कोट्स हैं जो कि मैं चैनल पर डालती हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कि क्यूरियोसिटी जगाए देखने वाले को। उसके बाद ट्रेनिंग, मतलब कि जो मैंने इंटर्न के टाइम पर गया था, एकेडमिक करिकुलम का जो पार्ट था वो, कि आई सर्वड इन एन इंटर्न XYZ कोई फॉर्म का नाम नहीं है, मैंने यहाँ पे हटा दिया अपने फॉर्म का नाम, ठीक है। और बैंगलोर में गया था तो बैंगलोर मैंने लिख दिया, ड्यूरिंग दो 6 मंथ आई हैव लर्नड स्टेज ऑफ ड्राइंग मीटिंग स्ट्रेस लाइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इनमें कोई भी चीज़ कॉपी नहीं है, और इनमें अब आप देखिए फर्क कितना है, इसमें मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब एक वो डाटा था जो मैंने आपको पहले दिखाया, उससे आपको क्या लेना देना था, और एक अब ये डाटा है, इससे आप मेरे बारे में ज़्यादा जान पाए होंगे कि मैंने अपने आपको क्या बताया है, एनिमेटर बता रखा है, वीडियो प्लेनर बता रखा है, मैं यूट्यूब चैनल रन करता हूँ वो भी रिज्यूमे में डाल रखा है, वो मेरा इंटरेस्ट है वो भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैंने ये सारी चीज़ें की थी एकेडमिक्स के टाइम पर ही, वो भी डाल रखा है। ऑल्दो मैंने और भी प्रोजेक्ट्स उठाए थे, लेकिन उनमें मेरा ज़्यादा स्कोप ऑफ वर्क नहीं था, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें नहीं लिखी, जिसमें मेरा ज़्यादा स्कोप ऑफ वर्क था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें जो जिसके पास ये रिज्यूमे जाएगा ना, उसका मन करेगा कि हाँ अब पोर्टफोलियो खोल के देखा जाए, क्योंकि उसके लिए अब तक मैं एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ,
उसके फॉर्म में अगर मैं जब जाऊंगा तो एक वैल्यू ऐड करूंगा, तो अब उसका मन करेगा। तो आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा कि आपको भी किस तरीके से रिज्यूमे जो है वो बनाना है। रिज्यूमे कभी भी ऐसा बनाइए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो, वो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं भरना है। नेम लिखा, अपना नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं भरना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। एंड गाइस, अगर आपको समझ में आया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।